खुरदरी तेल का दरामदी बिल पेट्रोलियम के बाद सबसे ज्यादा है, जो 6 साल कबल 81 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 30 अरब रुपए सालाना तक जा पहुंचा है। गुज़िश्ता 2 अशरों में खुरदरी तेल की मांग 3 लाख से बढ़कर 17 लाख मैट्रिक टन सालाना हो गई है। इसमें 10 लाख मैट्रिक टन पाम ऑयल है, जिसे मलेशिया से दरामद किया जाता है। 1995 में मुल्क में ऑयल पाम की काश को फरोग देने की कोशिशें शुरू की गई और 5 साल की मुद्दत में पाकिस्तान ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड की कोशिशों के नतीजे में सिंध के साहली इलाकों में ऑयल पाम की काश कामयाबी से होने लगी है। अभी तक जो है 500-600 एकड़ प्राइवेट सेक्टर में जमींदार गिरोहों के पास प्लांटेशन करा चुके हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा ये है कि हम 10 लाख सीडलिंग जो है वो भी मलेशिया से मंगवा रहे हैं और उसके मतलब इधर जो 2-3 साल में वो तैयार करके वो भी जो है हम प्लांटेशन प्राइवेट गिरोहों के पास कराएंगे, जिसमें गिरोह ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और उनसे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुल्क के साहली इलाकों खासतौर पर ठट्टा और बदीन के काश्तकार ऑयल पाम की काश में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। हमने अपनी ज़मीन के अंदर जो है वो 2000 पौधे लगा दिए हैं और 2000 पौधे और लगाएंगे और तजावीज़ हमारी ये है कि अगर इस पाम ऑयल को कामयाब बनाने के लिए फैक्ट्री अगर गवर्नमेंट लगा दे तो और ज़्यादा पौधे लगेंगे और ज़्यादा ज़मींदार जो है उसमें इंटरेस्ट लेंगे। सूबह सिंध के जनूबी साहली इलाके कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, मीरपुर खास और सांगा का खिपरू तालुका ऑयल पाम की काश के लिए इंतहाई मौजू साबित हुए, जहां मलेशिया के मुकाबले में इसके फल बेहतर और ज्यादा हैं। पाम ऑयल की काश के फरोग के साथ साथ पाम ऑयल के हुसूल की वजह से फैक्ट्रियों का कायम भी बेहद मावन साबित होगा। शब्बीर इब्राहिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, ठट्टा।